होलिका दहन के दिन मैं अपने बहुत सारे डिशेस एंजॉय कर ही रहा होता हूँ कि बाहर से कुछ आवाज आती है। बाहर जाकर देखता हूँ तो वहाँ होते ये बच्चे जो कुछ ऐसे चिल्ला रहे थे, मगर क्यों? तो ये ऐसे चिल्लाकर होलिका दहन के लिए बहुत सारे जलावन इकट्ठा कर रहे थे, जिसे देखकर तुम चौंक गए होगे। नहीं। फिर रात को 12:30 बजे मैं और भैया निकलते हैं होलिका दहन के लिए, जहाँ बीच रास्ते में मिलता है ये ग्रुप जो कि मस्त मौलों की तरह कुछ ऐसे गाते हुए जा रहे थे। अब ये देखकर तुम मुझसे पूछोगे, अरे ये क्या है भाई? तो मेरा जवाब है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। फिर ऐसे ही नाचते गाते हम पहुंचते हैं अपने गांव के मंदिर की तरफ और वहां से आशीर्वाद लेकर के झूमते हुए निकल जाते हैं होलिका दहन करने। फिर वहां का सारा जलावन इकट्ठा करके एक छोटी सी पूजा करते हैं और उसके चारों तरफ घूम के होलिका दहन करते हैं। उसी दौरान कुछ लौंडे सोलो से खेलते हुए उसे 3-4 किलोमीटर दूर फेंक आते हैं। मेरे को जाना पड़ेगा। तब तक हम पास के खेत से कुछ चने के पौधे ले आते हैं, जिसे पकाकर हम घर ले जाते हैं प्रसाद के रूप में। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।